नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां स्वीप गतिविधियों के तहत रविवार को मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को एसडीएम पंकज गढ़वाल व तहसीलदार भार्गवी संधू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, दवा विक्रेता संघ, लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन सहित विभिन्न मेडिकल संगठनों से जुड़े डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने इस रैली में भाग लिया। एसडीएम पंकज गढ़वाल ने बताया कि मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसके तहत ये जागरूकता रैली निकाली गई। तहसीलदार भार्गवी संधू ने बताया कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में तरह तरह के आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। रैली उपखंड कार्यालय से टैगोर चौक सर्किल तक पहुंची। खास तौर से जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, पीएमओ साहब, बीसीएमओ साहब ये आए हुए हैं और केमिस्ट एसोसिएशन आए हुए हैं। जो स्वीप के अंदर ये है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, सरकार और जो पीसीआई है वो ये प्रयत्न कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और लोगों के बीच में जागरूकता का संदेश फैलाने के लिए एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप मीडिया कर्मियों का भी स्वागत है। इस तरह के आयोजन आगे हमारे खास तौर से सतरंगी सप्ताह चलेगा, जो 10 से लेकर 17 तक चलेगा, जिसके अंदर हम हर विभाग के अंदर और हर जो एसोसिएशन है, चाहे वो मार्केट एसोसिएशन हो या फिर मेडिकल एसोसिएशन है ही, और हमारे जितने भी और भी कोई जो संगठन है, उन सबको मिला के हम चाहते हैं हर इसका प्रचार प्रसार हो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए और उसके लिए वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए। ये स्वीप का कार्यक्रम एशिया के मार्गदर्शन में चल रहा है, जिसके यहाँ पे हम छोटी टीम कार्य करते हैं। गाँव में हम बूथ अवेयरनेस ग्रुप के जरिए मतदान जागरूकता के छोटे छोटे प्रयास किए जा रहे हैं, प्लस जो भी फोक, जो हमारे जैसे गोगा भेड़ी साइड फोक कुछ ऐसे संप्रदाय है, उनके साथ मिलके हम मतदान जागरूकता के छोटे मोटे कार्यक्रम कर रहे हैं। और साथ ही एजुकेशन से हमारे सीबीओ साहब, जिनके मार्गदर्शन में बच्चे और उनके द्वारा अवेयरनेस की जा रही है। हाँ, होम वोटिंग के जरिए वोटिंग परसेंटेज में भी बढ़ावा हुआ है, क्योंकि जो लोग बूथ पे आने में सक्षम नहीं है उनके लिए ये ईसीआई का इनिशिएटिव है, क्योंकि मतदान हमारा अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उसमें हम जो लोग एलिजिबल नहीं है उनके घर जाके मतदान कराया जा रहा है।